हम इस वक्त मौजूद हैं गांव गांव से पाक मीरा बीफ शॉप पे, जो कि फैसलाबाद में डी टाइप गोल चौक में वाक़ है। आए वीडियो में हमारे साथ रहें, हम आपको दुकान का सारा विज़िट करवाते हैं और दिखाते हैं कि बीफ की कटिंग कैसे की जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और मज़ीद कटिंग की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह ये देखें, इनके पास काफ़ी कस्टमर खड़े हैं। लो जी, हम दुकान के मालिक से आपसे मुलाकात करवाते हैं तो पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर मेरे ख्याल पंजाबी से गल कर लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तेरा नाम की जी? मोहम्मद इरफान। अच्छा, ते ये कितने टाइम तो दुकान नु चला रहे जे? ये माशाल्लाह हो गई 12 साल हो गए। तो शुरू तो तुसी चला रहे या वाल साहब या कोई बड़े भाई थे फिर मैं? अच्छा, कितने पैसे आपका? तो आपका बीफ का ही है या बीफ बताइयो तुसी डेट द्वारा किधर गए? ओ जे बम्मा ने तो जाए, हम आपको कटिंग दिखाते हैं। लो जी, ये इनके पास ये गाहक भी आए हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या जी? मोहम्मद ज़ाहिद। इन्हों को रूटीन च गोश्त लाके जाते हैं? काफी अगे पिछे मैं देखा कसाई बैठे ने, तो इन्हों को क्यों आंदे जे? किन्नी टाइम तो इन्हों को लैके जा रहे? 2-4 साल तो? माशाल्लाह जी। ये किस हिस्से का गोश्त है जी? ये सीने का। सीने का गोश्त का रेट क्या है आज? 600 रुपए किलो। तो जी 600 रुपए किलो आज की डेट में गोश्त का रेट है। अस्सलामुअलैकुम जी, की नाम है जी? मोहम्मद अब्बास। ते इन्ना को किन्ने चिर जदो दे दुकान ते काम कर रहे, तुसी भी नाल ही जे? हां जी, मैं भी नाल ही हूं। ये कटे का गोश्त है जी सारा? ये कटे का, ये कैमल का। ये देखे जी, कसाई जो कुशल की स्किन है ना वो नहीं उतारते ताकि गाहक को पता चल जाए कि कटे का गोश्त है। और ये ऊंट का गोश्त है, ये तुम से देखे ऊंट का गोश्त है। ये खुद ही जरा बताएं जी ऊंट के गोश्त के क्या बारे? जुम्मे वाले दिन ऊंट का गोश्त भी हमारे पास मिलता है। हर जुमे नु मिलेगा? ऊंट का गोश्त की रेट है? ऊंट का गोश्त 700 रुपए किलो। ये जी, इनका कहना ऊंट का गोश्त 700 रुपए किलो, और हर जुमे को बगैर फोन किए हमारे पास आ सकते हैं गोश्त लेने। लो जी, एक छोटा बच्चा भी इनके पास गाहक खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम बेटे, की नाम तेरा? गोश्त लेने आयो? दिखाओ ना जरा क्या लेके जा रहे हो, ऊपर करो। अच्छा, तो इन्हीं से पापा ने भेजा आपको, इन्हीं से लेके जाते हैं। ये जी, इनके पास एक पहलवान भी खड़ा है। पहलवान जी की नाम है डा? आप आपके पापा में बैठे हैं? चाचू हैं। अच्छा, पढ़ते हो आपके? नहीं, इधर देखो ना कैमरे की तरफ है, पढ़ते हो? तो जरा यार एक्सरसाइज किया करो, थोड़ा जिस्म को श्रिंक करो। है जिम जाता हूं। जिम जाते हो? गुड। आपका नाम क्या जी? अरफान। तो मुंह में क्या डाला हुआ है? हाँ डाला हुआ है। लो जी, इधर कीमा भी कर रहे हैं। ये जी, इनकी कीमे वाली मशीन चल रही है। आपकी कीमे पे ड्यूटी है? आपका नाम क्या है? अच्छा, आपने सिर्फ कीमा बनवाना है? ये
ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਦਰ ਅਲੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਪਿੱਛੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਮੂ ਨੇ। ਕੀਮੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਗੋਸ਼ਤ ਬਗੈਰ ਹੱਡੀ ਤੋਂ। ਬਗੈਰ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਰੇਟ ਬਗੈਰ ਹੱਡੀ ਤੋਂ? 750। ਅੱਛਾ, ਇਨਕਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ 600 ਰੁਪਏ ਵੈਸੇ ਰੇਟ ਹੈ ਵਿਦ ਬੋਨ, ਔਰ ਬੋਨ ਕੇ ਬਗੈਰ ਹੈ 750 ਰੁਪਏ। ਯੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। लो जी, इनके पास एक और कस्टमर खड़े हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आपका नाम क्या है? अच्छा, तो आप रूटीन से इनके गोश्त लेके जाते हैं? राउंड बोट और भी कसाई हैं, तो इनसे क्या वजह? गोश्त अच्छा या कटिंग अच्छी है? अच्छा। दूसरों से गोश्त अच्छा होता है इनका? अच्छा, ये आपको दिखाते हैं। ये क्या है जी? दुम है? कटे की या किस चीज की? ये देखे जी, दुम है, जो जिनका कसाई स्किन एंड पे उतारते हैं ताकि गाहक को पता चलता रहे कि ये किस जानवर का गोश्त है। तो ये भी हेल्दी गोश्त होता है ये? अक्सर रेट उसी रेट में ये? ये पुट का गोश्त है, और बताना यह कि पुट का बड़ा हेल्दी गोश्त होता है जानवर की, पुट का जो ना। इनके पहलवान भी गोश्त काट रहे हैं, आओ दिखाते हैं आप। ये नली का लैदा रेट है जी? जी। क्या रेट है नली? नली 400 रुपए किलो। ये ज्यादा सूप सूप के लिए, यखनी के लिए? ये 2.5 लाख का कटा है ये वाला। अजी किलो गोश्त का गोश्त सब के नंबर लिखे हुए हैं। तीन पार्टी तो बगैर कीमा